पीसू तू घटवाड़ी पीसू तू, एक कहानी एक गीत हम सब लोगों ने सुना और जिस घट की बात कर रहे ना वो यहाँ पर है। मतलब गेहूं नहीं डाला है, नहीं तो मैं पूरा सफेद हो जाऊंगा। पर ये पद्धति चल रही है और अभी हम उत्तर काशी के नखोरी गांव में है और ये वही गांव है जो बछेंद्री पाउंड एवरेज जिन्होंने क्लाइम किया और भारत का नाम पूरे विश्व भर में प्रख्यात किया, तो उसी जन्मस्थली पर। और ये देखिएगा एक भाई आज भी, जबकि 2024 में है, हम हर जगह पता नहीं कैसे कैसे आटा बन रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका आटा आज भी लोगों को दे रहे हैं और साथ के साथ स्वाद भी, स्वाद के साथ सेहत भी। तो ये कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, उस पर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा पहले कैसे पानी यहाँ पर भरा गया और कैसे उसको छोड़ा गया और उसके बाद ये चालू होता है। उन्होंने कुछ और भी कर रखा है, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। तो घर्राट हमने फिलहाल बंद करवा दिया क्योंकि हमें आप लोगों तक वो बात पहुंचानी थी जो हम अपनी सभ्यता को छोड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अभी अनिल डंगवाल जी जो ये घर्राट को चला रहे हैं। सोचिएगा आधुनिकता के दौर में, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद भाई चौहान जी का और लोकार्पण के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सर मैं आपका मतलब मिलके बहुत धन्य हो गया। पहले तो एक ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं जो लोग सब कुछ भूल चुके थे, और आपने घर्राट पर वापस जाने का कैसे सोचा, वहीं से शुरू करते हैं। सर मुझे लगा कि अगर उत्तराखंड में रहना है तो स्थानीय संसाधनों के संरक्षण के साथ अगर हम आजीविका उपार्जन की एक सोच रखें तो वो हमारे व्यक्तिगत हमारे लिए भी और पूरी देश और दुनिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक रूप से आजीविका से जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति भी हमारा कर्तव्य भी होगा, दायित्व भी होगा, और वो सीधे हमारी आजीविका से जुड़ा है तो दायित्व भी एक बढ़ जाता है। मुझे लगता है सर आसपास के इलाके के जितने भी लोग होंगे गेहूं तो यही पिसता होगा, क्योंकि स्वाद भी है, सेहत भी है और पता है कि प्योर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आसपास के लोग क्या बहुत दूर दराज से, और लगभग जो उत्तरकाशी में यहाँ पे विकास भवन है अच्छा। वहाँ के बहुत से अधिकारी यहाँ पे आते हैं, और पूर्व जो हमारे डीएम थे जिला अधिकारी महोदय अभी वो ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो स्वयं यहाँ पे अपने गेहूं लेके और आए हैं और उन्होंने इस घर्राट में अपना गेहूं देखा। ये होता है जो समझदार लोग होते ना, वो चाहते हैं कि पुरानी चीजें हमें कहाँ मिल जाए, संजो के कहाँ किसने रखी है। और भाई जगडंगवाल जी ने जब वो किया तो देखिए क्या बोला इन्होंने, ग्रामीण तो नहीं होता पर फिर भी जो भी होता बोला, पर सबसे ज्यादा मैं तो जितने अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, अगर कोई सचिव शायद आसपास होते वो, या कोई बाहर के मंत्री संतरी कोई भी होंगे, तो वो जरूर वो चाहेंगे खाना वो चीज जो आज मिल नहीं रही है कहीं। और इसलिए इस चीज को बढ़ावा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन देख रहा था यहाँ तो आपने तकरीबन काफी लोगों को जोड़ भी रखा, कितने लोग जुड़े हैं? लगभग अप्रत्यक्ष रूप से तो करीब 1000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पूर्व में IIT रुड़की के सहयोग से यहाँ पे लगभग 500 किसानों को हल्दी दी है, कृष्णा हल्दी, जिसका कि साइंटिफिक वैलिडेशन भी अच्छा वो है, रिजल्ट्स हैं कि उसकी कर्क्यूमिन वैल्यू भी अच्छी होती है। तो जैसे पाप गांव में कम से कम 200-300 किसान ऐसे हैं जिनको हमने हल्दी दी है। अरे वाह। तो हमारा ये है कि बीज से और बाजार तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग, अब ये जो हमने एक समूह बनाया घर्राट श्रृंखला का रिटेल ग्राम समूह, तो इसमें ऐसे भी लोग आते हैं किसी के पास 2 किलो धनिया है वो लेके आ जाता है, किसी के पास 5 किलो हल्दी है वो लेके आ जाता है, किसी पे 10-20 किलो गेहूं एक्सेस हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। एक चीज और है उस पे भी जाएंगे मार्केट की, पर केवल ये चक्की ऐसा नहीं कि केवल आटा ही शुरू किया है इन्होंने, क्योंकि भैया अब ऐसा तो नहीं केवल आटा पीस के बहुत सारी आमदनी हो जाएगी। पहले जमाने में तो सर जब घट पे जाते थे कुछ यादें वो भी हो जाए, लोगों को थोड़ा याद आएगी घट पे क्या करते थे। याद है कि कई लोग तो ऐसे होते थे घट बड़ी दूर होते तो रात को वहीं रुक जाते थे, सत्तू पीसते थे अलग से ताकि रात को सत्तू खा ले, ये थी तमाम यादें भी थी। ये सर हमारा एक सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और अगर हम पिछले समय में गए मतलब 70 के दशक से पहले पूरी निर्भरता हमारी पहाड़ी क्षेत्रों की घर्राटों पर हुआ करती थी अपने अनाज पीसने की, और ये घर्राट मतलब इनसे ऐसी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं कि कहीं रास्ते में कोई घर्राट होता था, तब टेलीफोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो किसी दूर के गांव की कोई महिला आ रखी है वो अकेले बैठी हुई है, फिर उसके गांव के कोई 4 लोग आ गए वो कहीं से आ रहे हैं, तो रास्ते से वो कि जरा देख लें कि घर्राट में कहीं हमारे गाँव का कोई आ रखा हो। तो बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियाँ हैं, घटनाएँ हैं,
और ये समय पूर्व समय में जिन गांवों में घराट हुआ करते थे वो समृद्धि के प्रतीक थे। आसपास के गांव जहाँ पे घराट नहीं होते थे वो उन लोगों से संबंध बनाना चाहते थे कि ठीक है यार, क्योंकि टेलीफोनिक जमाना नहीं था, कोई संचार का कोई माध्यम नहीं था। बहुत दूर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से कोई आया अपना गेहूँ ले गया, उसने देखा कि घराट में तो यार 4 लोग 8 लोग पहले से बैठे हुए हैं, मेरा नंबर तो काफी लेट में आएगा। लेट आएगा। आपकी भी ऐसी कुछ कहानियां हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये केवल यही नहीं कर रहे, इससे बिजली उत्पादन भी हो रही है और बिजली की खपत के लिए कह रहे थे अभी भाई साहब कि जब 4-5 दिन कभी लाइट नहीं आती ना तो लोग चार्जर लेके यहीं पहुंचते हैं। वो चीजें भी दिखाते हैं और खास कर जो मसाले के साथ आप कर रहे हैं, भारतवर्ष का हमारा इतिहास रहा है, अंग्रेज भी जब आए थे भारत में तो मसालों के पीछे ही आए थे, है ना। वास्को डी गामा ऐसे ही नहीं पहुंच गया था, क्या कुछ कहानियां थी, पर एक मसाले हमारे यहाँ भी तैयार हो रहे हैं इस देसी घराट में और जो आज पूरे विश्व भर में जा रहे हैं यहीं से। तो चलिएगा सर आपकी थोड़ा वो भी लैब भी देखते हैं। तो ये देखिएगा जो आप अलग अलग ब्रांड्स में, नाम नहीं लूंगा, पर अलग अलग ब्रांड्स के आप मसाले की बात करते हैं, आप देखते हैं हल्दी कैसे मिल रही है आपको, और यहाँ पर कट्टे ही कट्टे, बोरे ही बोरे भरे हुए, और सभी ये वो हल्दी है जो गांव में ही जिसका उत्पादन भी हुआ है और उसके बाद पिसाई भी। तो सर ये जो हल्दी है इसकी क्या विशेषता है? सर एक तो पहाड़ी हल्दी जो है इसकी जो कर्क्यूमिन वैल्यू है वो ज़्यादा है। दूसरा ये प्रकृति के साथ उगती है, अपना मतलब संघर्ष करके उगती है, क्योंकि प्लेन में या जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है वहाँ पे जो फसल उगती है उसको कितना यूरिया चाहिए, कितना पानी चाहिए, किस समय उसको क्या चाहिए, दवाई चाहिए, खाद चाहिए, वो सब मिलता है। लेकिन ये जो हमारी पहाड़ी हल्दी है इसको हम लोग अमूमन ऐसी जगह लगाते हैं कि जहाँ पे जंगली जानवर और जो खेत हमारे अच्छे नहीं होते वहाँ, तो प्रकृति की उन विषम परिस्थितियों में जब ये सर्वाइव करके ये पैदा होती है तो निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता जो है वो और हल्दियों से खुशबू भी भाई बहुत हार्ड है, ऐसे नहीं मतलब पता चल रहा है कि यार हल्दी है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात देखिएगा ये बड़े बड़े यहाँ पे मशीनरीज कुछ लगाए रखी आपने सर, हॉट एयर ओवन है ये ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं आप इनसे? ये तेज पत्ता और हल्दी वगैरह ड्राई करने के लिए। अच्छा। तो ये हॉट एयर ओवन है, ये हवा से ये सुखाते हैं। तो देखिएगा मतलब एक तो हमारा घराट जो हमारा अगर देसी बना है तो उसके साथ जब टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाती है तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप क्या रेट दे रहे हैं हल्दी सर? हल्दी 300 रुपए किलो दे रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, और बजार में तो मुझे लग रहा है इससे बहुत महंगी है। आप देखो 250 ग्राम का पैकेट अभी जाके अपने किचन में देखो कितने रुपए उस पर लिखा हुआ है, और उसका 4 गुना करो और वो भी प्योर, क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी आपने बताई कच्ची हल्दी क्या रेट है सर? सर अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें हल्दी की गांठ चाहिए तो उसका रेट लगभग आज 215-215 रुपए कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में आप लें तो आपको किसी भी रेट में उसके आधे रेट में, आधे से और कम रेट में मिल जाएगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि इतना मिलावट इस चीज में है। तो देखिएगा शुद्ध है और देसी है, और अगर कोई लोग जैसे प्रोडक्ट लेना चाहते थे जैसे हल्दी हो गया, मैं देख रहा हूँ यहाँ धनिया भी है, धनिया है, मिर्च है, ये सभी हमारे, हाँ हाँ बिल्कुल फ्रेश, ये आजकल में ही पीसी भी है। हाँ पूरा फ्रेश सर, हम फ्रेश पीस। तो सर ये जैसे वो जो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं हमें भी लेनी थी, वो कहाँ से कैसे करेंगे? सर एक तो हमने एक छोटा सा कृषि विभाग के सहयोग से एक आउटलेट बनाया है नाकुरी में। अच्छा। तो उसमें भी हम देते हैं, कुछ हमारी फेस वैल्यू पे लोग जो हमें पहचानते हैं तो वो भी हमसे संपर्क करते हैं, और कुछ आउटलेट ऑनलाइन नहीं कुछ शुरू करा अभी, ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि हम तो घराटी व्यक्ति हैं। तो चलो ये घराटी व्यक्ति का नंबर हम नीचे डाल रहे हैं, इफ इन केस आपको अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो हम आप इनको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। और ये सर यहाँ भी कुछ और रखा हुआ, कुछ और भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जी? हम बहुत सारे, जैसे आप बाहर देखेंगे तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, अभी हम एक महिला वो US से आती हैं और वहाँ की डिजाइनर हैं, वो किसी टॉप संस्थान की पड़ी हुई, तो उनके लिए नेचुरल कलर जो है वो भी हम ही बनाते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में। और उद्योग की जो मैडम यहाँ पे सैली डबराल मैम, उन्होंने हमारे पास उनको भेजा और हमने अभी उनके लिए भी कलर बनाए हैं जो नेचुरल कलर। मैं कहता हूं ना कि लोग बोलते हैं यार हम क्या करें क्या ना करें, कुछ करने के लिए है नहीं, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोलता हूं आसमान में भी छेद हो सकता है, बस वो पत्थर
अगर दिल से उछाला जाए तो क्यों नहीं हो सकता। ये ऐसा ही कुछ काम कर रहे हैं डंगवाल जी। डंगवाल जी प्रोफेशनली डीपीएड कर चुके हैं बहुत पहले, और चाहते तो किसी शिक्षा के क्षेत्र में कहीं और होते या फिर किसी कंपनी में होते, क्योंकि एजुकेशन वाइज भी बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये तमाम अपने गांव, ये एक पीड़ा ये भी रही होगी सर कि गांव छोड़कर नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी पीड़ा है और आज भी मतलब ईश्वर ने मतलब इतना अंदर से शक्ति दे रखी है कि अगर यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये मिलता है, आप किसी शहर में मुझे ले जाओगे, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये देंगे तो मैं नहीं आऊंगा। मतलब सम्मान से मुझे रोटी मिल जाए यहाँ पे तो मैं खुश हूँ। अब आप सोच रहे हो ये मसाले क्या मेरे घर पे ऐसे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं भी हैं जो सब देखिए ना, महिलाओं को रोजगार भी दे रहे, कुछ और युवाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे, तमाम लोगों को शुद्ध चीजें दे रहे, तो उन महिलाओं के पास मैं आपको लेकर चलता हूं जो इनको पैकिंग कर रहे हैं और आपके घरों तक वो पहुंचाने वाले। महिलाओं से मिलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं जो मुझे जल्दी दिखा, ये क्या है सर? ये मिक्सचर है। अच्छा, इसमें हम बहुत सारी चीजें, जैसे हम हरड़ बहेड़ा आंवला, बहुत सी पार्टी हमारे पास आते हैं जिनका हम त्रिफला बनाते हैं। अच्छा, वो मिक्स करते हैं, मसाला मिक्स करते हैं, और मेन जो हमारा घराट का मल्टीग्रेन आटा है उसको अच्छा, हम इसमें मिक्स करते हैं। मल्टीग्रेन आटा भी दे रहे हैं जी? मल्टीग्रेन आटा दे रहे हैं, वो स्पेशलिटी है हमारे घराट की। तो देखिए मल्टीग्रेन आटा जो बाजारों में बहुत 100 सैकड़ों में मिलता है, आप कितना क्या रेट दे रहे हैं? 100 रुपए केजी। अरे बढ़िया है सर। जी सर। नहीं वाकई मल्टीग्रेन, और वो भी हमारे पूरे पहाड़ का। तो कौन कौन से ग्रेन्स हैं जो आप उसमें ऐड? सर उसमें गेहूं है, रागी है, और चौलाई है, सोयाबीन है, और कुछ चना भी वो करते हैं, और भी कुछ चीजें हैं कि जो हमारा सीक्रेट है। ओ, सीक्रेट मसाला। हाँ, तो ये देखिएगा, ये मल्टीग्रेन भी मुझे लगता है, तो ये सब तो ऑर्डर दिखाते हैं। चलिए कैसे पैकेजिंग हो रही है उस पर आपको लिए चलते हैं। वाह परे, क्या कुछ कर रहे हैं ये लोग, वाह क्या करना आप लोग, क्या करना मसाले, क्या कर रहे हैं? मसाले भर रहे, मसाले पैक कर रहे हैं। अरे वाह, पैकेट दिखाना अपना। वाह साहब, ये शानदार ऑर्गेनिक उत्तराखंड फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द लैप ऑफ हिमालयस। वाह, तो कितनी पैकेजिंग करते हो दिन में? 50। मैं आपके पास ही आता हूँ। ये देखो, ये देखिएगा, ये लगातार यहाँ पर पैकेजिंग चल रही है, बहुत शानदार है। 50 पैकेट डेली पैक करता है, हर कक्का की भेजता, अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो अच्छा, थोड़ा बहुत आमदनी भी हो रही है, है? जोर से बोला दी है। आपका क्या नाम है? द्वारिका देवी। और आपका? कुलवंती पवार। अरे वाह। और? रोशनी देवी। और आप? शिल्पी पवार। अरे वाह। सीता राणा। अच्छा, और आपका जी? सपना पवार। अच्छा, और दीदी का? ओसिंग राणा। अवंतिका। लक्ष्मी। ममता गुसाई। अर्चना गुसाई। तो ये देखिएगा, ये तमाम जो बहने हमारी, मैं उधर से आता हूँ, आप यहीं पे रुकिएगा। तो आमदनी भी हो रही कुछ? हाँ जी। कितना हो दी? जैसे सर हम 50 पैकेट 100 पैकेट वो करते हैं, तो ऐसे हमें घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे हम अपने 50-100 कर दिए तो 200 रुपए हमें मिलती है। क्या अपना है? जिस समय में टाइम मिलता है उसी समय आते हैं। हम गृहस्थी भी है, हम गायों के भी चलाते हैं और खेतों भी काम करते हैं, हल भी खुद लगाते हैं, खुद मतलब महिला नहीं लगाती, पुरुष लगाते हैं, और खेतों में हम पीछे से काम करते हैं। देखा, मैं बोलू ना, हमारे मातृशक्ति बहुत शक्तिशाली भाई, और पहाड़ की नारी एक तरफा, और जो बाहर वहां बैठ के बोलती ना टी शर्ट पहन के कि मैं पहाड़न हूँ, बेटा ऐसे काम करके दिखाओ तब बने पता चलेगा पहाड़न। हाँ जी। हाँ। आज वो भी है सर, क्या पर्वत पर्यावरण वो है सर, अभी हम पेड़ लगा के आए सर, जंगलों में जा रहे थे, भैया ने हमें खमती बनानी सीखी, जो पानी का हवा, पानी शुद्ध जो चाहिए हमें, उनके बारे में सिखाए। तो अभी हम गए थे जंगलों में, हमने पेड़ लगा के आए, जंगल बचाने के लिए हमने वो कर रखा है एकत्रित महिला। हाँ। कि हम जंगल बचाएंगे, शुद्ध पानी पियेंगे, शुद्ध हवा खाएंगे, तभी हमारा शक्ति सरपण होगा। बिल्कुल सही बात है, और ये यकीनन ये तभी संभव हो पाया है जब डंगवाल जी की सोच अच्छी है। सोचिएगा जो ये बोल रही है ना, इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, जो ये महिलाएं हैं, ये सुबह 5-4 बजे उठ के जंगलों में गई, और वहां इन्होंने जल संरक्षण को महत्व दिया है, क्योंकि जो ये घर्राट चल रहे हैं ना, ये जल से ही चलते हैं, और जब ये पवन चक्की चलती है, पन चक्की जब चलती है, तो पानी बहुत आवश्यक था, तो उस जल को संरक्षण करने के लिए इनकी टीम इधर उधर गांव के क्षेत्रों में, कभी जंगलों में, कभी कहीं, ये लगातार उस प्रयास में लगे हुए। पर बहुत बहुत बधाई आप सबको भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। मैं ग्राम प्रधान भी हूँ, एक ग्राम अठाली की हूँ, और सभी महिला हमारे साथ कार्य करती है, मनरेगा में भी कार्य करती है, और जंगलों में जहाँ भी इनका साथ हमें हमेशा मिलता है, तो नए नए कार्य हम अभी शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारा। अब सुनो, तुम जिला पंचायत भी उठो।
हाँ जी प्रयास करेंगे। बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विधायक भी बनूं? बनेंगे सर। अच्छा भाई जान, जैसे आप विधायक बन गए ना, तो पहला प्रयास क्या रहेगा आपका? प्रयास ये रहेगा सर कि जैसे हमें आज बताया गया कि हमारा पर्यावरण है, सबसे बड़ा हमारा पर्यावरण दिवस था आज, तो हमने देखा है जंगलों में कितनी सारी आग लग रही है, हमें इसे बचाएं। अपना प्रदूषण मतलब हवा, शुद्ध हवा हमें बचाना चाहिए, शुद्ध पानी हमें चाहिए, जो कि हम पहाड़ की नारी है, हमें शुद्ध पानी की जरूरत भी है, लकड़ी की जरूरत भी है, हर चीज की हमें जरूरत है। कितनी बड़ी बात बोली है दीदी ने। और यकीनन आज अगर नेताओं को तो यही समझ नहीं आता, नेता बोल रहे हैं हमारा धर्म बचाओ, देवी देवताओं को बचाओ। मैं एक वीडियो भी बोल रहा था, हमारे देवी देवता भी अब पलायन करने लगे हैं, क्योंकि गांव में तो लोग हैं नहीं, जब लोग नीचे चले गए तो वहां भी नए नए देवी देवता उत्पन्न हो रहे हैं। और दीदी ने जो बात की है, आप यकीन मानिएगा, जिन विकसित देशों की हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे देश का डंका बज रहा है, वहां उन तमाम देशों में जो चुनाव होता है ना, वो प्राकृतिक पर होता है कि भैया इनकी सरकार में पॉल्यूशन क्या रहा, इनकी सरकार में पॉल्यूशन डेंसिटी कितनी रही, इनकी सरकार में किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित किया गया। और हम बात करते हैं धर्म पे, ये देखिए महिलाएं, अर्जुन बोल रहा हमसे कुछ नहीं होना, तो यूं महिलाओं होते सुखा भाई कुछ, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। अच्छा सुनो, के मैं ज्यादा भी डाल दूं थोड़ा? नहीं सर, ज्यादा डालेंगे तो फिर हमारा घाटा हो जाएगा इसमें। अच्छा हाँ, अच्छा कम तो फिर तो 10 ग्राम कम भी डाल सकते? कम भी नहीं डाल सकते सर, फिर हम ईमानदारी से भी काम करते हैं यहाँ तो। ये बात, ईमानदारी भी और शक्तिशाली भी, ये हमारी बहने हैं। तुम उन्नी का ना पैक क्यों नहीं अभी आ रही? क्या करना तुम्हारा हाथ में, मुझे खाली बोल दिन पौड़ी हल्दी आ रही है अभी, हल्दी आ रही है। चलो जो इनके बाद हल्दी आती है, पर समझिएगा ये तमाम उन ग्रामीण हमारे भाइयों के लिए। और यकीनन महीने का मुझे नहीं पता क्या कमाते होंगे, पर जो ये आदमी कमा रहे हैं इन्होंने, और जो अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, डंगवाल साहब बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं। और आप भी अगर डंगवाल जी से वार्तालाप करना चाहते हैं, क्योंकि घर्राट इन्होंने केवल यही नहीं 5-6 और गाँवों में भी खुलवा दिए, तो ये सब जगह जा रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आप भी जुड़ना चाहें इनसे, तो ये इनका संपर्क सूत्र भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, नमस्कार।